हेलो गाइस, दिस इज जय एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आप वीआईटी को टारगेट कर रहे हो उसमें एडमिशन के लिए। तो जिन बच्चों की भी रैंक यार ज़्यादा ही है वीआईटी के अंदर, अब यार रैंक तो वीआईटी में हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट का मैटर होता है। कभी भी बहुत सारे बच्चे डाउट प्रिडिक्ट करते हैं कि उनकी जो रैंक आई है वो एक्चुअल सही नहीं आई है, बट बेहद इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनकी जो रैंकिंग है वो अच्छे से जानते हैं। बट बहरहाल हम इसमें बात करेंगे कि आपकी जो भी रैंक आई है उसमें आपका कौन सा कैंपस मिलेगा और कौन सी ब्रांच मिलेगी और आपको कौन सी कैटेगरी में एडमिशन होने वाला है। बहुत ही डिटेल वे में इस वीडियो को बनाया जा रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी बच्चे के मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। इस तरह का कंटेंट आपको YouTube पे नहीं मिलेगा, तो मेक श्योर करो कि बिल्कुल एंड तक देखो यार, बिना स्किप किए हुए। तो मोटा मोटा बता दूं यार, वीआईटी के चार कैंपस है, सबको पता है, तभी आपने एग्जाम दिया राइट। वेल्लोर है, चेन्नई है एंड अपना एपी है, एंड उसके बाद अपना जो नया कैंपस है वो भोपाल है। तो अप्रॉक्स वीआईटी के ये चार कैंपसेस हैं, ठीक है, इसके ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। तो जिसकी भी रैंक वीआईटी में कम है, 10,000 से ऊपर है, ठीक है, 10,000 के नीचे चांस कि आपको मेन कैंपस मिलता है, लेकिन अगर 10,000 से ऊपर आपकी रैंक बन रही है तो आपको क्या क्या मिलेगा उसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसी को हम आगे बढ़ा के चलेंगे राइट। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को समझते चलते हैं और 10,000 से लेके 1,00,000 रैंक तक पूरा प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ सारी चलेंगी। देखो वीआईटी की जितनी भी काउंसलिंग होती है वो फेज़ वाइज होती है, कौन सी रैंक पे कौन से फेज़ में बच्चे बैठेंगे उसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी, प्रोसेस क्या रहेगा, चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है। मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब रखो, ये सारा कंटेंट आपको मिलने ही वाला है इस चैनल पर राइट। सबसे पहले यार इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने वीआईटी का अपना जो प्रेडिक्टर है वो लॉन्च कर दिया है, ठीक है, अभी इंटरनली लॉन्च हुआ है, ये अभी डिप्लॉय नहीं हुआ है वेबसाइट पे, अभी इंटरनल बच्चों के लिए, मेंबर्स के लिए है। इस पर हम लाइव भी करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन इस प्रेडिक्टर की हेल्प से सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ कि 10,000 से अगर ऊपर रैंक है तो क्या क्या ऑप्शंस आपको वीआईटी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने हमारा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 799 लिया हुआ था उनको ये प्रेडिक्टर पहले नहीं मिला था क्योंकि वीआईटी का रिजल्ट बाद में आया है। तो अगर आपने वीआईटी का एग्ज़ाम दिया है तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई पैसा पे नहीं करना है, आपको बस हमारे जो ईमेल आईडी है उस पर मेल कर देना है कि भाई आपका वीआईटी का स्कोर ये है, ठीक है, हम आपको वीआईटी का भी सेपरेट डेटा अलग से दे देंगे। और जो नए मेंबर्स जो भी इसको काउंसलिंग को परचेस करेंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग में जितने भी ऑप्शन थे, ठीक है, मतलब जो ऑल इंडिया काउंसलिंग का प्रेडिक्टर है उसके बाद जो भी ऑप्शंस हैं उसके बाद आपको वीआईटी का भी अलग से एक टैब देखने को मिल जाएगा जहां पे आप वीआईटी की रैंक डाल सकते हो और उसके बाद आपको वीआईटी का डेटा भी ऑल इंडिया काउंसलिंग रिपोर्ट में इस बार देखने को मिलने वाली है राइट। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा ठीक है चलता है। अगर आपकी 10,000 रैंक आती है, ठीक है, तो 10,000 रैंक पर अगर हम कॉलेज प्रिडिक्ट करें कि वीआईटी में क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे तो देख लेते हैं। पर्टिकुलरली देखिए हम लोग चार ब्रांचेस को लेके चल रहे हैं, हम सीएससी आईटी, सीएससी स्पेशलाइजेशन, ईसी और इलेक्ट्रिकल को लेके चल रहे हैं। मेरी समझ से टेक ब्रांचेस को ही लेने में फ़ायदा है क्योंकि आप एक बहुत बड़ा बजट वीआईटी के अंदर लगाने जा रहे हो। नॉन टेक ब्रांचेस के साथ केमिकल मैकेनिकल वगैरह ब्रांचेस, सिविल वगैरह के साथ जाना आई डोंट थिंक सो कि वर्थ इट रहेगा, बट कुछ बच्चे लेते हैं, फॉर वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर राइट। मैं जनरिक ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ और एज अ काउंसलर ही बता रहा हूँ कि टेक ब्रांचेस के साथ जाओ तो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे आप इसमें राइट। तो अगर हम मूव करते हैं यहाँ पे फर्दर और यहाँ पे दिखाते हैं, तो 10,000 रैंक पर अगर आपकी है तो क्या मिलेगा वीआईटी वेल्लोर के मेन कैंपस में, आपको कैटेगरी वन के अंदर जो मिलेगी वो ब्रांच होगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सीएसई नहीं मिल पाएगी, है ना, ठीक है। तो ये वाली ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मिल सकता है, कम्युनिकेशन मिल सकता है और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है, ये सब कैटेगरी वन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब चेन्नई कैंपस में अगर आप जाओगे इसी रैंक पे तो चेन्नई कैंपस में आपको क्या क्या मिलेगा उस पर बात कर लेते हैं। तो चेन्नई कैंपस में आपको जो मिलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप चेन्नई कैंपस में देंगे तो कैटेगरी वन के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इस रैंक पे 10,000 पे आराम से मिल रही है चेन्नई कैंपस में, कैटेगरी वन जिनकी फ़ीस जो है 1,98,000 है, यहाँ फीस भी लिखा हुआ है राइट। और ब्रांच जो लिखा हुआ है वो भी लिखा हुआ है, हमने डिटेल में मेंशन किया हुआ है। हाँ, वेल्लोर के मेन कैंपस में 10,000 रैंक पे आपका जो एडमिशन होगा वो कैटेगरी टू में होगा, तो कैटेगरी टू में अगर आप एडमिशन लेंगे तो फीस जो होगा 3,07,000 के अप्रॉक्सीमेट में आपका बैठेगा कैटेगरी टू के अंदर, लेकिन जो ब्रांचेस होंगी वो आपको मिल जाएगा। कैटेगरी टू तक लेना वर्थ इट रहता है, आई वुड रेकमेंड कि आप ले सकते हो, वैसे तो बच्चे कैटेगरी फोर भी लेते हैं, थ्री भी लेते हैं, बट डिपेंड्स कि आपको उसके कंपैरिजन में कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं। दैट्स वाई वी लॉन्च आवर कॉलेज प्रेडिक्टर, जिससे यार काउंसलिंग 799 सपोर्ट, जिससे यार इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग है थ्रू योर जेई और अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो,
हम एग्जैक्ट बता देंगे कि आपकी काउंसलिंग पे क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने VIT ट्रिपल ई का रैंक अलाउ कर दिया है। जैसे ही आप डालोगे तो जो फाइनल रिपोर्ट मिलेगी उसमें VIT का रैंक मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे यार परेशान थे कि काउंसलिंग सपोर्ट का कॉल नहीं आ रहा है। देखो लॉट ऑफ डिले हुआ स्टार्टिंग में, मैं मानता हूँ इस चीज़ के लिए, बट जिन बच्चों ने भी हमें पे किया है दे विल डेफिनेटली गॉट अ काउंसलर कॉल, उनको मिलेगा 100% फॉर श्योर। और उनकी जो ऑल इंडिया चांसेस हैं यार, विथ इन 24 आवर्स के अंदर अब हम लोग भेजना स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब जब प्लान ज्वाइन करोगे उसके 24 आवर्स बाद आपके पास पूरी एक रिपोर्ट आ जाएगी जहाँ पे जितनी भी काउंसलिंग्स हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए। और अभी बस ये रिपोर्ट इम्पटी है, जैसे जैसे काउंसलिंग्स ऐड होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉमेड के ऐड होगा तो आपको कॉमेड के की भी अलग से रिपोर्ट मिलेगी अगर आपने एग्जाम दिया होगा, या फिर MST सेट दिया होगा तो उसके भी अलग से रिपोर्ट मिलेगी। तो ये पूरा एक सिनेरियो रहने वाला है थ्रू आउट, ठीक है। तो आप परेशान मत हो, जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है उनको डेफिनेटली फोर से और 110% कॉल आएगा और एक ब्रीफ मेंटर सेशन होगा। बस अब जो चांसेस आपको रिपोर्ट मिली है उसको अच्छे से एनालिसिस कर लो, ठीक है, जिससे आपके यार काफ़ी सारे पैसे तो काउंसलिंग में बचने वाले हैं फोर से और, राइट। तो यहाँ पे अभी हम 10,000 पे थे और देखते हैं, तो कैटेगरी 2 के अंदर ही आपको वेलोर मिल रहा है कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन के साथ, जहाँ पे फीस जो है वो ये है। अगर किसी बच्चे की रैंक जो है वो 12,000 अप्रॉक्स 15,000 के आसपास है, 15,000 के अंडर है, ठीक है ना, तो वो देख लेते हैं। क्योंकि इस तरह के बच्चे थोड़ा ज़्यादा सफ़र करते हैं कि सर 15,000 आ गई है या 20,000 आ गई है, 25,000 आ गई है, तो क्या मुझे VIT में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अगर हम 15,000 कैटेगरी VIT रैंक के लिए देख लें तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा है ना, तो कैटेगरी 2 में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगी वेल्लोर कैंपस के अंदर। तो अगर EC भी आपको अब कैटेगरी 2 में मिल रही है और इसका जो कॉस्ट आएगा वो 3,07,000 समथिंग में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल भी कैटेगरी 2 के अंदर आ रही है आपके लिए, है ना। और अगर आप CSE टारगेट कर रहे हो तो CSE ऑप्शन है आपके पास, लेकिन इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स का MTech प्रोग्राम है जो कि वेल्लोर कैंपस में आपको मिल रही है ना। बट ये जो मिलेगा वो आपको कैटेगरी 1 के अंदर मिल जाएगा। तो ये एक न्यूली ब्रांच इंट्रोड्यूस है जिसको आप देख सकते हो, लेकिन ये MTech है, BTech प्लस MTech आपको करना पड़ेगा। अब वेल्लोर के अंदर अगर CSE चाहिए इस रैंक पे 15,000 रैंक पे, तो आपकी कैटेगरी होगी वो भैया होगी थ्री कैटेगरी होगी, और इसका जो फीस लगेगा भैया वो 4,05,000 लगेगा। तो 4,05,000 के समथिंग में फिर आप आराम से CSE स्पेशलाइजेशन और ये सारे ऑप्शंस टारगेट कर सकते हो, ये सब आराम से लिया जा सकता है। लेकिन वहीं पे अगर चेन्नई कैंपस आप ले लोगे तो भी आपको कैटेगरी 1 में मिल जाएगी 15,000 रैंक तक। तो 15,000 रैंक तक आप आराम से सेफ हो यहाँ पे डेटा साइंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी ये सिस्टम लेने के लिए। चेन्नई कैंपस में आपको बड़े आराम से मिल रही है कैटेगरी 1 के अंदर, ठीक है। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं तो यही है ना। लेकिन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर अगर आप टारगेट करोगे इस रैंक में 15,000 पे, तो चेन्नई कैंपस में भी वो कैटेगरी 2 के अंदर आएगी। स्पेशलाइजेशन आपको कैटेगरी 1 में मिल रही है, लेकिन कोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है वो यहाँ कैटेगरी 2 में आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और बाकी जो वेल्लोर मेन कैंपस है उसमें सब कैटेगरी 3 के अंदर ही जाता दिख रहा है 15,000 रैंक। सर अगर मेरी 20,000 रैंक है VIT में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो क्या रहता है, एक बार उसके ऊपर भी डेटा पे डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे यार इस पर्टिकुलर रेंज सेगमेंट में जहाँ बच्चे थोड़ा से लो स्कोरर रहते हैं उनको आइडिया लग जाए कि भाई क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 20,000 सेगमेंट में लेके चलते हैं VIT में, तो भैया आप देख लो, तो कैटेगरी 1 में जो आपको मिलेगा स्टिल आपको जो है ये मिल जाएगा चेन्नई कैंपस, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स वाली ब्रांचेस और ये सारी ब्रांचेस आपको मिल रही है, ठीक है। डेटा साइंस ये सब चेन्नई कैंपस में आपको मिल रहा है। वेल्लोर में आपको कैटेगरी 3 ही मिल रहा है, इसमें भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोलेबोरेशन विद TCS, BTech कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम वाली ब्रांच मिल रही है, ये सब आपको कैटेगरी 3 के अंदर दिख रही है। ये सारा कैंपस आपको कैटेगरी 3 के अंदर दिख रहा है वेल्लोर के अंदर। सर अगर मेरी रैंक 25,000 आ गई है तो मैं अगर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो देखो 25,000 रैंक के लिए क्या ऑप्शंस बन के आ रहे हैं ये भी देख लेते हैं। वेल्लोर के अंदर यार EC बनेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चेन्नई कैंपस के अंदर बन रही है, चेन्नई कैंपस के अंदर EC मिल रही है, वेल्लोर नहीं है वो, चेन्नई कैंपस है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई कैंपस जिसका दूसरा कैंपस है, वहाँ पर कैटेगरी 1 के अंदर आपको EC मिल रही है, ठीक है। और नीचे करके चलें तो यहाँ पे अगर वेल्लोर टारगेट करोगे तो फिर आप कैटेगरी 4 आ चुकी है, यहाँ पे वेल्लोर में कैटेगरी 4 लग चुका है, और कैटेगरी 4 का जो अमाउंट अपना है वो 4,48,000 रुपये आपका पर ईयर का फीस आएगा। तो भाई अगर पैसा अच्छा है तो वेल्लोर कैंपस भी इस रैंक मिल सकता है, लेकिन जो मिलेगा वो कैटेगरी 4 का मिलेगा,
ठीक है, उसके बाद और डिस्कशन कर लेते हैं तो नीचे आते हैं। तो यहाँ पे एक कैटेगरी टू है, ठीक है, ये सारे कैंपस आप देख सकते हो। हाँ, आप मेन कैंपस में ईसी भी मिलेगी आपको तो कैटेगरी थ्री में मिल रही है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल कैटेगरी थ्री में मिल रही है, मतलब 25,000 रैंक पे ईसी वगैरह आपको कैटेगरी थ्री में मिल रही है, और अगर सीएस लोगे तो कैटेगरी फोर में मिल रही है। और बाकी चेन्नई कैंपस में भी अब कैटेगरी टू लगना स्टार्ट हो चुका है, और कैटेगरी वन में आपको बस ईसी मिलेगी चेन्नई कैंपस की। अक्सर अगर मेरी 30,000 रैंक आ जाती है तो क्या वीआईटी में लेना वर्थ इट है, क्या ऑप्शन रहेगा आप बता दो। तो भैया चलो 30,000 रैंक के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है ना। 30,000 रैंक पे अगर हम वीआईटी को टारगेट करेंगे तो क्या ऑप्शन रहेगा, लेट मी चेक फॉर यू गाइस। तो चेन्नई कैंपस में अब सीएससी आपको कैटेगरी थ्री पे मिलने लग रही है, ठीक है। अब इसका जो वर्थ इट प्राइस रहेगा भैया वो 4,05,000 रुपये का आपका फी जाएगा ओवरऑल, ठीक है। उसके नीचे और डिस्कशन का पार्ट रहेगा। फिर ये सारी कैटेगरी, अब यहाँ पे जो है वेल्लोर में आपको कैटेगरी फोर स्टिल मिल रही है, बट ब्रांचेस होगी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स होगा, कोलेब्रेशन टीसीएस होगा, ये सब अब कैटेगरी फोर में आपको मिलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये सब कैटेगरी फोर में मिल रहा है और ये आपको यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे जो अपना चेन्नई कैंपस है ना, इंटीग्रेटेड जो एमटेक है वेल्लोर के अंदर, वो आप कैटेगरी टू में आपको मिलेगा अगर आपकी 30,000 रैंक के आसपास है, तो उसकी जो प्राइस होगी वो 1,59,000 है। बट ये एमटेक प्रोग्राम है, ये बीटेक प्रोग्राम नहीं है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो, है ना, कि आपको एमटेक में जाना है कि नहीं। अब वेल्लोर मेन कैंपस में अगर सीएससी चाहिए तो अब यहाँ पे लग चुका है कैटेगरी फाइव। कैटेगरी फाइव अगर लग चुका है, इट मीन्स जो आपकी फ़ी है वो अप्रॉक्स 5 लाख पर ईयर के अप्रॉक्सिमेटली, मतलब 4,93,000 अप्रॉक्सीमेट जो है वो आपका चला गया है, ठीक है। तो इतना आपका चला गया है, तो ये एक ऑप्शन रहता है। सर अगर मेरी 30,000 से ऊपर रैंक है वीआईटी के अंदर तो क्या मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा अब सोचने वाला टाइम आ चुका है, क्योंकि अब आप कैटेगरी फोर कैटेगरी फाइव में फाइव में लाई कर रहे हो वीआईटी के अंदर। मेन कैंपस में आपको सीएससी चाहिए तो कैटेगरी फाइव मिलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चाहिए तो कैटेगरी फोर वगैरह लगेगी, वो हम प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं। तो अगर जेई की रैंक आपकी अच्छी है तो आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे। डैट्स वाई वी आर सेइंग कि 799 का जो हमारा ये काउंसलिंग सपोर्ट है इतना इंपॉर्टेंट है, कि भाई आपको सारे ऑप्शंस खोल के देती है, कि जितनी भी काउंसलिंग्स हैं उनका डेटा और 1 आवर का एक वन टाइम काउंसलर सपोर्ट, जो आपको सारा कुछ डिस्कस करके बता देंगे कि भाई आपको यहीं जाना है, फिर आप फाइनली अपना पैसा इधर उधर वेस्ट मत करो, आपको फिर फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट जितनी भी काउंसलिंग जेई से होती है प्लस जो अदर काउंसलिंग है, सब कुछ कवर है 799 के अंदर। हाँ, कुछ काउंसलिंग्स यार जैसे नहीं आई है, जैसे WBJEE नहीं आया है, VIT अभी आया है, कॉमेड के आएगा, SRMJEE का रिजल्ट आएगा, तो वो टाइम टू टाइम हम ऐड ऑन करते रहेंगे। अभी जितनी काउंसलिंग पैरेलली में सिंग में चलेगी और जो जेई से मिलेगी, वो डेफिनेटली आपको वो डेटा वन गो में मिलने वाला है, राइट। तो अब 35,000 पे हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बट आई होप सो गाइस कि बहुत सारे लोगों का डाउट क्लैरिफाई कर पा रहा हूँगा मैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चेन्नई कैंपस अपना जो है वो अब कैटेगरी फोर में आ रही है, ठीक है, मतलब चेन्नई कैंपस कैटेगरी फोर में आ रही है, राइट। तो ये अपना कैटेगरी फोर में आ रही है, और वेल्लोर यहाँ पे कैटेगरी फाइव में ही सब में देखने को मिल रहा है, सब में कैटेगरी फाइव लगा है। चेन्नई कैंपस में इलेक्ट्रिकल वगैरह लोगे तो कैटेगरी टू है, अदरवाइज सब में कैटेगरी थ्री है। तो यहाँ से पूरा जो मैटर है वो चेंज हो गया। अगर मेरी रैंक 40,000 के आसपास आ गई तो, 40,000 रैंक के आसपास आ गई तो क्या ऑप्शन रहेगा, वो भी एक बार प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो अगर आपकी रैंक 40,000 के आसपास आ गई है तो फिर आप ये देख लो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑप्शंस आपके चेन्नई कैंपस में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। एपी कैंपस में स्टिल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ऑप्शन अब खुलना स्टार्ट हो चुका है। तो जिन बच्चों को अमरावती कैंपस चाहिए 40,000 रैंक तक, आराम से कैटेगरी वन के अंदर आपको मिल जाएगा, 1,98,000 इज द फी। चेन्नई कैंपस लोगे कैटेगरी फाइव में जा चुका है, अब चेन्नई कैंपस भी कैटेगरी फाइव में जा चुका है 40,000 रैंक के बाद। जो चेन्नई कैंपस है उसमें कुछ ब्रांचेस स्टिल कोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फाइव में गया है, लेकिन जो स्टिल बाकी के जो ब्रांचेस हैं वो स्टिल कैटेगरी फोर के अंदर है। उसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये कैटेगरी फोर है, कैटेगरी फोर है। और वेल्लोर में इलेक्ट्रिकल वगैरह जो है, वेल्लोर में जो इलेक्ट्रिकल वगैरह है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो आपका कैटेगरी टू में स्टिल मिल जाएगी 40,000 रैंक। लेकिन ब्रांच बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ रहा है आपको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेगमेंट में आपको जाना पड़ रहा है। ये ईसी नहीं है, ये डबल ई है, ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। और फिर ये ऑप्शंस हैं, मेन कैंपस चेन्नई कैंपस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी आप कैटेगरी थ्री के अंदर, सॉरी चेन्नई कैंपस नॉट मेन कैंपस,
3 में आ रहा है चेन्नई कैंपस में, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अच्छा ब्रांच है, ये भी एक कैटेगरी 3 में आ रहा है। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई कैंपस, ये अपना कैटेगरी 3 में आ रहा है। तो सब कुछ कैटेगरी 3 में आ रहा है और जो फीस स्ट्रक्चर है वो अप्रॉक्स आप देख सकते हो 3 लाख से लेके अबव है सारा। तो 40,000 रैंक पे कितना सिक्योर है, अगर आप AP कैंपस ले सकते हो, अमरावती कैंपस ले सकते हो, तो वो जाना चाहिए। फिर आपको कंपेयर करना पता होना चाहिए कि बाकी के कैंपसेस के लिए, अगर आपने MIT का एग्ज़ाम दिया है, मणिपाल दोगे या फिर अदर एग्ज़ाम्स होंगे उनमें कॉमेड के वगैरह में, सब कंक्लूड करके फिर आप देखोगे कि भाई मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए यू हैव टू डिस्कस विद सम एक्सपर्ट कि भाई क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डायनेमिक्स चेंज होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप मेन कैंपस या चेन्नई कैंपस लेते हो तो बहुत महंगे पड़ने वाले हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल जाओ। अब हम 45,000 सेगमेंट में मूव ऑन कर चुके हैं, जिन बच्चों की 45,000 रैंक है वो अपना कैंपस देख सकते हैं। तो देखो यार, चेन्नई कैंपस भी आपको 5 कैटेगरी के अंदर मिलनी स्टार्ट हो गई है। कंप्यूटर साइंस कुछ ब्रांचेस अभी भी 4 में मिल जाएंगे, लेकिन 3 से ऊपर जा चुका है। बाकी आपको जो वेल्लोर कैंपस में मिलेगा, अब भोपाल कैंपस कैटेगरी 1 इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी 4, अब यहाँ पे देखो कैटेगरी 1 अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे भोपाल कैंपस में मिलेगा। 45,000 रैंक पे भी आराम से आपको भोपाल कैंपस के अंदर कैटेगरी 1 के अंदर CSE मिल रही है, जिसकी रैंक जिसका जो प्राइस जिसका जो फी होगा 1,98,000 है। तो अप्रॉक्सीमेट डेटा आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। बाकी चेन्नई कैंपस में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 3rd कैटेगरी चल रही है, जिसमें 3,43,000 फी स्ट्रक्चर जा चुका है। और यहाँ पे जो मेन कैंपस वेल्लोर है उसका तो कुछ आ ही नहीं रहा है, राइट, हाँ काफ़ी ऊपर जा चुके हैं हम लोग। अब भैया 55,000 रैंक के लिए आते हैं, इसमें क्या मिलेगा? अगर 55,000 रैंक है अप्रॉक्स, थोड़ा सा बढ़ गया क्या, 55,000 कर लेते हैं इसको, तो क्या मिलेगा? लेट मी चेक फॉर यू गाइस। ठीक है, अभी भी आपको वेल्लोर में इंटीग्रेटेड वाला मिल रहा है ऑप्शन, 5 ईयर्स वाला, उसमें कैटेगरी 3 लग के मिल रही है, ठीक है। और चेन्नई कैंपस में अब इलेक्ट्रिकल वगैरह भी आपको कैटेगरी 4 में मिलने स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी रैंक जो है वो आप देख सकते हो। तो ये ओवरऑल सीनैरियो है। CSE स्पेशलाइजेशन कैटेगरी 2 के अंदर इंटीग्रेशन वो चेन्नई कैंपस में मिल रही है, जो 5 ईयर्स वाला प्रोग्राम है। बाकी अभी AP कैंपस स्टिल कैटेगरी 1 में आपको मिल जाएगा, ब्लॉकचेन वगैरह में, कंप्यूटर साइंस ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, इन सब कोर्सेज के लिए यू विल स्टिल गेट अ कैटेगरी 1 हेयर, यू विल स्टिल गेट अ कैटेगरी 1 इन AP कैंपस एंड भोपाल कैंपस स्टिल देयर। तो 55,000 रैंक पे भी आप भोपाल कैंपस और AP कैंपस के कुछ ब्रांचेस में कैटेगरी 1 ले सकते हो। अगर किसी की 60,000 रैंक है तो कितना सेफ़ रहेगा VIT, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 60,000 रैंक पे चेन्नई कैंपस में इलेक्ट्रिकल वगैरह भी कैटेगरी 4 पे है, चेन्नई कैंपस में इलेक्ट्रिकल वगैरह सब कैटेगरी 4 पे जा चुकी हैं, आप देख सकते हो, है ना। और नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो चेन्नई कैंपस में इंटीग्रेटेड MTech जो है वो अब कैटेगरी 2 में आ रहा है। और यहाँ पे अभी भी जो है वेल्लोर जो 5 ईयर्स वाला प्रोग्राम है चेन्नई कैंपस का, वो सेकंड में मिल रहा है। अमरावती कैंपस में स्टिल कैटेगरी वन में आपको सीटें मिल जाएंगी, ये अमरावती कैंपस का सारा है AP कैंपस, ठीक है, आराम से कैटेगरी 1 आपको मिल रही है। चेन्नई कैंपस में अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कैटेगरी 5 में जा चुकी हैं। तो चेन्नई कैंपस एंड वेल्लोर कैंपस, तो वेल्लोर कैंपस ख़त्म ही हो चुका है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। चेन्नई कैंपस में भी ये 5 चल रहा है। अब किसी की रैंक अगर 70,000 है तो क्या करना चाहिए? अगर किसी की रैंक 70,000 आती है तो फिर अपना देख लो भाई, चेन्नई कैंपस में फिर अपना वो है, यहाँ पे जो अभी भी कैटेगरी 1 के अंदर आपको AP मिल रहा है, अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग सेगमेंट के लिए आराम से आपको AP मिल रहा है। बाकी चेन्नई कैंपस अब कैटेगरी 5 में सब कुछ जा चुका है, तो ये सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है चेन्नई कैंपस का। इसके ऊपर आपको चेन्नई कैंपस में इलेक्ट्रिकल भी 5 कैटेगरी के ऊपर नहीं मिलेगी, तो इलेक्ट्रिकल में भी आपको कैटेगरी 5 लग के मिल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टिल 5 कैटेगरी पे चल रही है, तो ये आप देख लो। अब किसी की रैंक अगर मान के चलिए कि 80,000 आ गई है, 80,000 रैंक पे अगर वो स्टिल VIT में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो मेरा तो काम है यार, देखो एज अ काउंसलर इट्स माई जॉब टू डिस्कस विद यू ऑल द ऑप्शंस, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर इतनी ज़्यादा रैंक आई है तो फर्स्ट यू विल आपको JEE के बेस पे जो भी वो कॉलेजेस मिलने वाले हैं एटलीस्ट ट्राई कर लो, स्टेट लेवल में हो सके इससे बहुत अच्छा कॉलेज ऑप्शन आपको मिल जाए, या 12th के परसेंटेज पे इससे बहुत अच्छा कॉलेज ऑप्शन मिल जाए, इट डिपेंड अपॉन यू। तो इसके लिए यार डेफिनेटली आप 799 का इन्वेस्टमेंट छोटा सा कर सकते हो, जिससे बहुत डिटेल में चीज़ें आपको मिलने वाली है, बहुत सारा कॉस्ट आपका बचेगा, फोर से हो गाइज, राइट। तो ये देखो चेन्नई कैंपस सारा कुछ 5 5 5 चल रहा है। स्टिल अमरावती कैंपस में आपको अब AP कैंपस में CSE बंद हो चुकी है, अब आपको EC मिलेगी कैटेगरी 1 के अंदर, ठीक है।
80,000 रैंक पे ईसी मिल रही है कैटेगरी वन के अंदर, ठीक है। भोपाल कैंपस इंट्रोड्यूस हो चुका है कंप्यूटर साइंस के लिए, आराम से यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ले सकते हो कैटेगरी वन के अंदर। तो वही सिनेरियो है कि 1,00,000 रैंक से अगर ऊपर आता है तो फिर तो दो कैंपसेस में आप काउंसलिंग करा ही नहीं सकते, फिर आप तो भोपाल या अमरावती में ही काउंसलिंग करा सकते हो। तो यही सिनेरियो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि भोपाल कैंपस में अंदर आपको कंप्यूटर साइंस स्टिल मिल रही है, अमरावती बंद हो चुकी है। अब अमरावती के अंदर सीएससी कैटेगरी वन के अंदर नहीं है, अदर कोर ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। अब सीधा आ जाते हैं भाई 1,00,000 रैंक पे क्या मिलेगा, फाइनल कंक्लूजन कि अगर 1,00,000 रैंक है वीआईटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो देखो यार, अभी भी आपको अमरावती कैंपस एपी वाला कैंपस जो है उसमें इंडिकेटेड 5 ईयर्स मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम अभी भी स्टिल लाइव है आपके लिए, राइट। उसके बाद अगर आप नीचे आएँ तो जो चेन्नई कैंपस है उसमें ये थर्ड कैटेगरी में 5 ईयर्स वाला एमटेक प्रोग्राम है, बट एमटेक करना कितना वर्थ इट है ये भी एक सवाल है, ठीक है। तो ये भी डिस्कशन का पार्ट है। बाकी यार वेल्लोर जो है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर कैंपस में आप देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वगैरह चल रही है कैटेगरी 5 में, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रिकल 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 चल रहा है, ठीक है, ये सब कैटेगरी 5 में चल रही है। और एपी कैंपस में आप कैटेगरी 2 लग रही हैं, सब में कैटेगरी 2 लग रही हैं, सब में कैटेगरी 2 लग रही हैं, तो अप्रॉक्स सब में कैटेगरी 2 लग रही हैं, ठीक है। तो 1,10,000 के अगर ऊपर बात करें तो, अगर 1,10,000 के ऊपर बात करें तो एक फाइनल कंक्लूजन आप देख सकते हो। तो अप्रॉक्सीमेट आप देखोगे कि यहाँ पे जो है अब अच्छे ऑप्शंस आपके लिए मिलने बंद हो चुके हैं। भोपाल में कैटेगरी 2 लग गई है, भोपाल में कैटेगरी 2 लग गई है, और आई डोंट थिंक सो कि भोपाल में कैटेगरी 2 से ऊपर एडमिशन लेना बिल्कुल भी वर्थ इट रहेगा, इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। यहाँ पे आप भी रुक जाइए, अगर आपने जेई नहीं दिया है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, लेकिन अगर आपने जेई दिया है कंसल्ट विद काउंसलर, आप थोड़ा खुद से रिसर्च करो, यू विल डेफिनेटली गेट अ बेटर कॉलेज, क्योंकि कैटेगरी 2 के ऊपर भोपाल में जाना आई डोंट रेकमेंड एट ऑल, राइट। कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 आई डोंट से कि भोपाल वर्थ इट रहेगा। तो इतना कंक्लूजन है, वीडियो बड़ी बन गई होगी इसके लिए क्षमा चाहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस तरह का बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको फ्री में मिलने वाला है, मतलब अच्छा कंटेंट यार फ्री में मिलने वाला है, इट्स नॉट फ्री एट ऑल, वी हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ time to develop this kind of utility tools, right? So for you guys I have done it, definitely please make sure share this channel or share this video to all of guys jinhone VIT ka exam diya hai। 1,00,000 rank tak pura maine bata diya bhai ki kya category lagne wali hai, thoda vishleshan kar deta hu। 1,10,000 rank se upar hai VIT mein to ruk jana, JEE का देखना अच्छा है, अगर मतलब JEE पहले भी अच्छा है तो कंपैरिजन कर लेना उसके बाद जाना, अगर आपने बिल्कुल JEE नहीं दिया है तभी 1,10,000-15,000 रैंक पे VIT में एडमिशन लेना। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन रहा, बाकी कॉलेज कैसा है रिव्यू, डिटेल ऑनेस्ट रिव्यू और पूरा प्लेसमेंट स्टैट्स और कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर पे सेपरेट वीडियोज आने वाली है। मेक श्योर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विथ मी, हमारी टीम से कनेक्ट करना चाहते हो, डिटेल रिपोर्ट चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अवर प्लान, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो एज सून एज पॉसिबल आप इसको ज्वाइन कर लो, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। जितनी भी काउंसलिंग्स हैं इंडिया के अंदर 24 to 30 काउंसलिंग, उन सबका स्टैट्स आपको धीरे धीरे करके भेज देंगे, उसका कोई पैसा नहीं है। और ऑल टाइम जो भी काउंसलिंग है उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, वन टाइम का मेंटर कॉल सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। जितने भी काउंसलिंग्स आएंगी उन सबका प्रेडिक्शन आपको पहले ही पता होगा कि भाई मुझे क्या मिलेगा, तो मैं इस काउंसलिंग में बैठूं कि ना बैठूं, जिससे बहुत सारा पैसा आप लोग सेव करके ले जाओगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।